वसंत पंचमी के दिन हस्तिनापुर के सर सेनापति और कुरु वंश के श्रेष्ठ योद्धा एक सूत पुत्र के रथ में खड़े नहीं रह पाएंगे। आप तो वचनबद्ध हैं, वसंत पंचमी के दिन मेरे रथ में आपको तो प्रवास करना ही होगा और उस दिन आपकी सत्ता, आपका सम्मान और आपका भय सब कुछ मेरे रथ से गिरकर भूमि पर पड़ा होगा। ऐसी कोई मूर्खता मत करो कर्ण। यदि तुमने ऐसा कोई दुराचार किया तो तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर के कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। मेरा ही नहीं, सारे नीच समाज का जीवन कारावास में ही व्यतीत हो रहा है महाराज। शिक्षा का अधिकार है ना रक्षक। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लाभ हेतु हमारा पसीना बहता है तब तक हम जीते। हम पसीना बहाने से मना कर दें तो हमारा रक्त बहाया जाता है। इससे और अधिक क्या होगा आपके कारावास में, मुझे भय नहीं है। किंतु कभी ना गिरने वाले महामहिम भीष्म मेरे रथ से अवश्य गिरेंगे। सारा समाज देखेगा कि महामहिम भीष्म भी गिर सकते हैं और क्षत्रियों का शासन भी गिर सकता है। पुत्र, ऐसा भीषण प्रण लेना उचित नहीं है पुत्र। भीषण प्रण लेने का अधिकार क्या केवल महामहिम भीष्म को ही है? पुत्र, तुम्हें बालपन में मैंने अपने हाथ से खिलाया है, डोरी गाकर सुलाया है, हम दोनों के बीच एक संबंध बन गया है। जाने क्यों तुम्हारी और एक माता का प्रेम उत्पन्न होता है। तुम्हारा जीवन कारागार में व्यतीत हो मैं नहीं देख पाऊंगी। अपने प्रण का त्याग कर दो पुत्र, ऐसे छोटे अहंकार के लिए समग्र जीवन व्यर्थ नहीं किया जाता।
शस्त्र ही स्वतंत्रता हीन मनुष्य के पास अहंकार ही तो एक संपत्ति होती, वो भी आप छीन रही हैं। किंतु वैसे दुस्साहस से क्या लाभ प्राप्त होगा पुत्र? मेरे दुस्साहस से परिवर्तन होगा महारानी, और परिवर्तन बलिदान मांगता है। प्रथम बलिदान मेरा होगा, मेरे समाज के लिए। कर्ण समय परिवर्तन करता है, मनुष्य नहीं। पुत्र उचित समय की प्रतीक्षा करो। समय नहीं महारानी, साहस परिवर्तन लाता है। मैंने निर्णय कर लिया है बलिदान का। अब कोई शक्ति मुझे नहीं रोक पाएगी। यदि पुत्र के जैसा प्रेम वास्तव में करती तो भाई की बेड़ियां नहीं, विजय का आशीर्वाद दीजिए। मैं तुम्हें इतना ही आशीर्वाद दे सकती कि जब तक तुम धर्म के पक्ष में हो, विजय तुम्हारे पक्ष में रहेगी। कर्ण यदि पितामह की सत्ता गिरा दे तो क्या हानि है? हमारे लिए तो सबसे बड़ी बाधा पितामह ही है ना मामाश्री। तो हानियां है पुत्र, एक तो हस्तिनापुर की प्रजा के हृदय से भय चला जाएगा, और बिना भय के शासन कैसे कर पाओगे तुम? और दूसरी हानि, नीचा समाज कर्ण की पूजा करने लगेगा, और जिस व्यक्ति की पूजा आरंभ हो जाती है उस व्यक्ति को अंकुश में रखना असंभव हो जाता है पुत्र, असंभव। किसी भी स्थिति में कर्ण वसंत पंचमी के दिन सफल नहीं होगा पुत्र। हमें यह देखना होगा कि कर्ण उस दिन अपने रथ पर भीष्म को बिठाए ही नहीं। किंतु वो किस प्रकार होगा मामाश्री? कर्ण उत्तम मनुष्य है, और एक उत्तम मनुष्य अपना बलिदान दे सकता है। अपनों का बलिदान नहीं दे सकता ना। मेरे होने वाले सम्राट, हमें भी कुछ ऐसा ही मार्ग ढूंढना होगा पुत्र, हैं? मस्तिष्क को गति दो पुत्र। और तेज, और तेज, और तेज।
किसी के हृदय में जिज्ञासा है कि कल वसंत पंचमी के दिन महामहिम भीष्म की क्या गति होगी। आ जाओ रथ में। जिज्ञासा तो है कर्ण, किंतु साहस नहीं है। चलिए। वैशाली, तुम इस रथ में नहीं बैठ सकती। तुम्हें यदि कुछ हो गया तो? साहस करो सारथी, दया नहीं। उत्तम, वसंत पंचमी के उत्सव में तुम्हारा लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। क्या लक्ष्य है आपका कर्ण महोदय? जीवन भर कारागार में रहने का, समग्र हसनापुर को अपना शत्रु बनाने का, या अपने परिवार के स्वप्नों को नष्ट करने का? हमारे लिए तो जीवन ही कारागार है। शत्रुता नियति है और स्वप्न अपराध है। राजकुमार अर्जुन, सारी जातियों में जब तक समानता नहीं होगी, मेरा ये संघर्ष रुकेगा नहीं। और वसंत पंचमी तो केवल आरंभ है। और इसका अंत कौन करेगा? अंत भी भ्राताश्री ही करेंगे। राजकुमार अर्जुन, शायद आप मेरे भ्राताश्री के सामर्थ्य से परिचित नहीं, और आपको शायद कारागार के मर्यादा का परिचय नहीं है। भेड़ियों में बंदा सामर्थ्य किस काम का? बलिदान सदा ही लाभ देता है राजकुमार अर्जुन। किंतु कर्ण महोदय, बलि बकरे की चढ़ाई जाती है, सिंह की नहीं। कृपा करके पितामह का अपमान मत कीजिएगा, उससे आप ही को हानि होगी और समाज का कोई लाभ नहीं होगा। आपकी सद्भावना मेरे प्रति है या आपके पितामह का अपमान ना हो वो आशय, ये मैं नहीं जानता। किंतु आभार, परंतु मेरा निर्णय अटल है। मित्र शोण, आप कर्ण महोदय को यह दुस्साहस मत करने दीजिए। उनके हृदय की आग से परिचित हूँ मैं, किंतु वो समाज में रहेंगे तभी वो आग समग्र समाज के हृदय में उत्पन्न होगी। बसंत पंचमी के उत्सव को कर्ण महोदय के संघर्ष का अंत मत बनने दीजिए।
आशीर्वाद दीजिए माता। आज वसंत पंचमी में मैं विजयी रहूं। यदि तुम मुझे दंड दे रहे हो तो मैं इस दंड की अधिकारी हूं। नहीं माता, स्वप्न में भी मैं आपको दंड नहीं दे सकता। माता के चरणों की धूल तो पुत्र के लिए सद्भाग्य है, किंतु ये कार्य करके तुम स्वयं को क्यों दंड दे रहे हो पुत्र? क्या तुम्हें क्रोध है किसी पे? नहीं माता, यदि किसी पर क्रोध है तो वो केवल अपनी परिस्थिति पर है, अपनी निर्बलता पर है। शस्त्र का मोह, अपने लिए सम्मान का मोह भी नहीं, मुझे स्वतंत्रता का मोह है। अपने सूत समाज के लिए, सारी नीची जातियों के लिए। मैं वो सब नहीं जानती। मैं बस तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ पुत्र, यही मेरी आशा है। और मेरी इस आशा को तुम नाश नहीं कर सकते। मेरा आदेश है। क्षमा करना माता, तुम्हारा आदेश मानने की इच्छा तो है, किंतु आदेश देने के लिए तुम स्वतंत्र भी तो नहीं। पिता ने आदेश दिया था गृह त्याग का, किंतु महारानी ने उस आदेश को निषिद्ध कर दिया। हम यदि अपनी संतानों को आदेश देने के लिए भी स्वतंत्र नहीं तो उसे जीवन किस प्रकार कहा जा सकता है? इसीलिए आपसे विनती कि आप मुझे मत रोकिए माता। आपके पास शोण है, वो जीवन के अंतिम श्वास तक आपकी सेवा करता रहेगा। दो पुत्रों में से एक का दान कर दीजिए अपने समाज के लिए। माता अपने संतान की बलि नहीं दे सकती है पुत्र। किंतु संतान पर प्रथम और अंतिम अधिकार केवल माता का ही होता है। माता बलिदान नहीं, किंतु पुत्र का दान तो कर ही सकती है ना। दे दो माता, समाज को मेरा दान दे दो। वसंत पंचमी का उत्सव बहुत ही महत्व के परिवर्तन लाने वाला है महामहिम।
क्या आपको भय है महामहिम कि कर्ण आपको अपने रथ से गिरा देगा? यदि मेरी इच्छा हुई तो। निकट प्रश्न यह है कि मैं उसके रथ से गिरकर उसे आजीवन कारावास का दंड दिलवाऊं या उसके रथ पे स्थिर रहकर उसकी आत्मा को कुचलना उचित होगा। प्रणाम गुरुजी। ताजश्री, कर्ण की रक्षा का कोई मार्ग नहीं। कर्ण जैसा सामर्थ्य और मोहक बालक अगर जीवन भर कारागार में रह जाएगा, ये विचार से ही मैं कांप उठती हूं। यथार्थ कह रही हो तुम, किंतु कुंती, नदी में जल का प्रवाह केवल नीचे की ओर होता है। कर्ण के हृदय में जो विष है वो अवश्य उसे विनाश की ओर ले जाएगा। ताजश्री, यदि आज वसंत पंचमी के दिन उसकी रक्षा होगी तो मुझे विश्वास कर्ण उचित मार्ग पर चलना आरंभ कर देगा। उसे एक अवसर दे दीजिए ताजश्री। उसने मेरे पुत्रों का रक्षण किया था, अब मुझे उसका रक्षण करना है।